आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं यस बैंक स्टॉक के बारे में, चूंकि इस स्टॉक को लेकर के काफी सारे ब्रेकिंग न्यूज ट्रेंड होते हुए दिख रहे थे, जिस न्यूज के इम्पैक्ट काफी सारे अलग अलग लोगों से अलग अलग जो टारगेट्स हैं वो आते हुए दिख रहे थे। और इस समय इस स्टॉक में देखेंगे अगेन कुछ न्यूज ट्रेंड होते हुए दिख रहा है। सबसे पहले ऑलरेडी हमने आपको शेयर भी किया था कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए रशियन बैंक के साथ टाइप करने के लिए, रुपीज को बूस्ट करने के लिए, रुपीज के ट्रेड को बूस्ट करने के लिए ग्लोबली जो देखेंगे अमेरिकन डॉलर का एक वर्चस्व खत्म करने के लिए ये इंडिया और रशियन ट्रेड के लिए रुपी को आगे बढ़ाया जाए, जिसके लिए इंडिया को रिप्रेजेंट यूको बैंक और यस बैंक करी है, जिससे कि हमने देखा कि रशियन बैंक का अकाउंट इंडिया के अंदर इसी बैंक में खुलते हुए दिखा है। इसके बाद का जो एक न्यूज देखेंगे कि मैक्रोटेक जो है उसने रिपे करना था, 5 मंथ पहले ही वो रिपे करने के लिए तैयार है और 125 करोड़ के अमाउंट जो पहले इस बैंक के जो फंड जहां भी इशू होते थे वो डेट बन जाता था, डेट बनने के बाद में एनपीए बनता था। और इस समय देखेंगे कि फंड जो दे रही है उसमें इस प्रकार की क्रेडिबिलिटी आ रही है कि वो फंड पहले ही बैंक को मिल जा रहा है। इस प्रकार से हमने सुना भी, जहां एमडी ने कहा कि इसके जो एनपीए हैं वो जेसी फ्लावर के साथ जो टाइप एआरसी होगा तो मोर देन 2% तक डिक्रीज हो सकता है। इस समय कंपनी बेहतर कर रही है और कॉरपोरेट के अंदर जो लोन है वो भी सेंक्शन बहुत बोर्ड्स के मीटिंग के बाद दी जा रही है। और देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके रिजल्ट पे दिखता है, जहां काफी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड ये कंपनी रिजल्ट देते हुए दिख रही है। टेक्निकली पिछले 1 मंथ में डाउन रहा, बल्कि ये नहीं ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर ही डाउन रहा, जबकि 3 मंथ रिटर्न 25% रहे। अगेन स्टॉक को टेक्निकली आप देखें तो एक मेजर सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, जहां एक्सपेक्टेशन था कि 14 तक के लेवल्स दिखेंगे। अगेन स्टॉक पिछले 2-3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज ग्रीन में क्लोज हुई है। 16 रुपीज के ऊपर शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए अगेन एक अपॉर्चुनिटी दिख सकता है, जहां 5-10% तक के रिटर्न इजली दिख सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको मिनिमम 500% तक के लिए होल्ड करना चाहिए, पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करें। ये अप्स एंड डाउन्स तो बने रहेंगे जब तक इस स्टॉक में मार्च में सारे शेयर डिक्लेयर नहीं हो जाते हैं जो शेयर पेंडिंग है। तो मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप चाहें तो इस स्टॉक में श्योरली बने रहे, शॉर्ट टर्म के जो फ्लक्चुएशन है उसको इग्नोर करें।